could see yourself just sitting there on my. Hi friends, welcome to the Suritra's Kitchen. आज की रेसिपी गाजर का हलवा. ऐसा कोई नहीं जिसे ये पसंद ना हो. मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं जो आज तक गाजर का हलवा सामने देखा हो और खाने से मना कर दिया हो. ठंड के मौसम में शादी ब्याह का पार्टी हो और उसमें गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इजी रेसिपी जिसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है. यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो मैंने लिया है 1/2 किलो गाजर, इसे अच्छे से धोकर कीस लिया है, और यहाँ लिया है लगभग 200 ग्राम तक चीनी, और यहाँ लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच घी, साथ में यहाँ पर लिया है 4-5 इलायची, हरी इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है, काजू और बादाम गार्निशिंग के लिए, और यहाँ पर 250 ग्राम मिल्क लिया है, साथ ही लिया है यहाँ पर दूध पाउडर, ये करीबन 200 ग्राम तक है. आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क मेड और खोआ भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैंने बड़े मुँह का बर्तन यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर ही लिया है, और सबसे पहले सूखे प्रेशर कुकर में मैं ये सारे जो श्रेडेड गाजर हैं इसे मैं इसमें डाल रही हूँ. 4-5 मिनट इसे मैं सूखे कुकर में ही मैं इसे बस हिलाकर इसका जो पानी है उसे थोड़ा सा सुखा लूँगी. और पता नहीं इसका रीज़न मैंने मेरी मम्मी से सीखा था कि ऐसा करने से इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाता है, और बाद में हम जब इसमें दूध और बाकी कुछ ऐड करेंगे तो पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती है. तो देख लेते हैं. यहाँ मैंने ऐड किया 250 ml मिल्क, और साथ ही उसी मेज़रमेंट का 1 कप पानी. अब इन सभी चीज़ को अच्छे से हम मिला लेंगे. मिलाने के बाद इसे अब हम कुकर लगा देंगे. इसका ढक्कन मैंने बंद कर दिया और इसे मीडियम फ्लेम पर ही 2 विसल आने के लिए इसे छोड़ दूंगी. तो चलिए मिलते हैं 2 विसल के बाद. अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, विसल भी इसकी निकाल चुकी हूँ मैं. अब इसे हम खोल के देख लेते हैं. तो देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है, और इसमें जो पानी है दूध है ये अच्छे से मिक्स होकर काफ़ी गाजर ने अपना खुद का भी पानी काफ़ी छोड़ दिया है. तो अब हम इसके खोल कर ही इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे. मैं बीच में खोल कर और ढक कर मैंने इसे सुखा लिया है. तो देखिए काफ़ी इसका पानी जो है वो रिड्यूस होकर इस स्टेज तक पहुँचा है. तो इसे हमें अच्छे से पानी सुखाने के बाद ही बाकी कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो हम मिलाएंगे. तो मैं यहाँ पर खोया या तो मिल्क मेड यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बनाऊँगी दूध पाउडर को दूध से ही घोलकर एक गाढ़ा कंडेंस मिल्क जैसा, और इसे अच्छे से मैं दूध के साथ में मिक्स कर रही हूँ. दूध आपको उतनी क्वांटिटी में लेनी है दूध पाउडर घोलने के लिए जितना कि आपको इस कंसिस्टेंसी का गाढ़ा एक आपको घोल मिल जाए. आप चाहे तो थोड़ा सा और मिलाकर इसके सभी लम्स को तोड़ लीजिए, और बिल्कुल दूध के फॉर्म में ही इसे बना लेंगे. अब देख लेते हैं कुकर में कितना सूख चुका है पानी. थोड़ा सा है रह गया है, वो सूख जाएगा बाकी और इसे चलाते हुए. तो तब तक हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने दूध को घोल कर रखा था. देखिए कितनी गाढ़ी है इसकी कंसिस्टेंसी, और अब हम इसमें डालकर खूब अच्छे से इसे मिला देंगे. ये बहुत ही जल्दी, और घर में जो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स रहता है नॉर्मली दूध पाउडर वगैरह घर में रहता ही है, तो इससे आप कभी भी इस तरह से बना सकते हैं. अब इसे मिक्स करके मैंने वापस इसे थोड़ा सा ढक दिया है. 5-6 मिनट के बाद में मैंने इसे खोला तो देखिए काफ़ी ये सूख चुका है. और हाँ, उस वक्त मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई पे ही रखा था, पर मैं सामने ही थी. और इसके बाद अब हम इसमें मिला देंगे चीनी. कभी भी मीठी चीज़ गैस पर चढ़ाकर दूर ना चले जाए, हमेशा इसके नज़दीक ही रहे, क्योंकि इसे हिलाना और चलाना पड़ता है. तो देखिए चीनी की जो चाशनी है वो भी निकल कर आ गई है, अच्छे से पिघल गई है. ये चाशनी भी अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगी. डाल देंगे इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स. इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसकी जो चाशनी है थोड़ी सी और ड्राई हो जाए, और साइड में जो सारा जो मिल्क पाउडर का जो लगा हुआ था मलाई वो भी हम निकाल कर अच्छे से स्क्रैप करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे. तो ऑलमोस्ट हमारी जो गाजर का हलवा है वो रेडी है. इसकी चाशनी अभी भी इसमें दिख रही है ऊपर से,
इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा चीनी की वजह से, जब चीनी ठंडा हो जाएगा तो। लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच घी। मैंने गाजर को घी में फ्राई नहीं किया था, मैं ऊपर से ही घी मिलाकर, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये रहता है ना, अगर आप बाद में मिलाते हैं तो एक तो गाजर में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, और आपको घी की क्वांटिटी थोड़ी कम आप यूज़ करेंगे तो भी इसमें चलेगा। तो मैंने सिर्फ 2 बड़े चम्मच ही घी डाला है, और देखिए ये काफ़ी शाइनिंग है, इसमें चमक है, और इसकी खुशबू भी वैसे ही बनी रहेगी। तो ये और 4-5 मिनट इसे भूनने के बाद, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे ही भुना है, ये हमारा गाजर का हलवा देखिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल शादी ब्याह में बनने वाले गाजर के हलवा जैसा ही टेस्ट है, इसमें कोई भी स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और हाँ, आप चाहे तो इसमें खोआ और मिल्क में डाल के भी बिल्कुल यही स्वाद का हलवा बना सकते हैं। हल्का सा ठंडा भी हो चुका है, अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसे एक बड़े से सुंदर डेकोरेटेड बाउल में निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए हमारा स्वादिष्ट लाजवाब गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश अच्छे से सजा दें, चांदी का वर्क लगा दें, और इसे आप गरम गरम गाजर का हलवा खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। इसकी स्वाद बहुत ही अच्छा बना है, और इसमें बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा आप लोगों से अलग होगा, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं ये कैसी बनी है, इसका स्वीटनेस चेक करते हैं। बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।